हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है व्लॉग्स विद कच्छे क्वीन विरल। मैं विरल मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे। जय स्वामी नारायण। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये व्लॉग है शाकोत्सव के ऊपर। आज मेरी मम्मी के घर पे हम शाकोत्सव करने वाले हैं और ये हमारे घनश्याम महाराज हैं जिनको मम्मी और अनंत दोनों तैयार कर रहे हैं मिलकर। तो शाकोत्सव क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो ये भगवान को तैयार कर रहे हैं मम्मी और अनंत, और अनंत को भगवान को तैयार करना बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग जब भी मम्मी के घर पे जाते हैं ना, तो अनंत भगवान का सारा कुछ अनंत ही करता है। उनको खाना खिलाता है, कपड़े चेंज करवाता है, फिर रात को भगवान के पैर दबाता है, फिर उनको सुला देता है। तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और आज के जो वस्त्र हैं भगवान के, वो भी अनंत ने ही चूज़ करे हैं। आज हम भगवान को पहनाने वाले हैं शेरवानी। तो बस अभी मम्मी और अनंत तैयार कर रहे हैं भगवान जी को। तो फ्रेंड्स, शाकोत्सव है हमारे स्वामीनारायण धर्म में। हम जब हमारे भगवान स्वामीनारायण भगवान जब पृथ्वी पर थे, तभी हम लोग शाकोत्सव, तब से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं शाकोत्सव। तो फर्स्ट शाकोत्सव भगवान ने किया था यहाँ पर गुजरात में, काठियावाड़ में लोया गाँव है, लोया गाँव है उसका नाम है गाँव का। तो वहाँ पर भगवान ने सेलिब्रेट किया था शाकोत्सव। तो शाकोत्सव भगवान ने किया था 1877 में लोया में, और वहाँ पे उन्होंने 1200 किलो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, पर 1200 किलो तक के बैंगन और 360 केजी घी में बैंगन की सब्जी का उन्होंने छौंक लगाया था। उसमें बेसन घोल के डाला था, फिर सारे मसाले और ऐसा करके भगवान ने सब्जी बनाई थी अपने हाथ से। तो बस तब से हम लोग भगवान की, ये जो भगवान ने मनाया था वो हम लोग ट्रेडिशन हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो हमारे मंदिरों में भी शाकोत्सव अभी तक हो ही रहा है। और अभी हमारे जो आचार्य जी हैं, हमारे आचार्य महाराज श्री हैं, जो एक परम पूज्य 1008 श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज हैं, वो अभी ये शाकोत्सव करते हैं। उनके हाथ से हम सब्जी का छौंक लगवाते हैं। और शाकोत्सव में बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, जैसे लाखों हजारों की तादाद में आते हैं सारे लोग। पर अभी क्या है कि कोरोना की वजह से हम लोग अभी मंदिर में सेलिब्रेट नहीं करते हैं शाकोत्सव, क्योंकि इतने सारे लोग जमा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसीलिए तो ये साल नहीं हुआ है। तो मम्मी ने बोला कि चलो कोई नहीं, हम घर पर ही करते हैं, बच्चे को भी पता चलेगा, बच्चे एन्जॉय भी करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने घर पे शाकोत्सव करने के लिए सोचा था। किसी को बुलाया नहीं था, बस हम लोग घर घर के ही थे, मैं और मम्मी, बस इतने ही लोग थे हम लोग। तो देखो अभी मम्मी ने ये सारा तैयार करके रखा है भगवान जी के आगे, और अभी भगवान जी छौंक लगाएंगे और हम सब्जी खाएंगे। और जब भगवान ने शाकोत्सव किया था ना फ्रेंड्स, तब भगवान ने ऐसा किया था कि बोलते हैं ना भगवान की लीला अपरंपार है, तो ऐसा ही कुछ कि, सॉरी ट्रेन आ रही है मेरे घर के पास में ही, ट्रेन का वो है ना, ट्रेन की पट्टी है। तो मैं कहाँ थी, हाँ, भगवान ने जब शाकोत्सव किया था ना, तो जो श्रद्धालु आए थे, जो भक्तजन आए थे, वो भक्तजन जिसको ऐसा लगे कि मुझे शीरा खाना है, तो वो जब सब्जी खाएंगे तो उसमें उनको सीरे का टेस्ट आता था। किसी को पापड़ खाने का इच्छा है तो जो सब्जी खाता था उसमें उसको पापड़ का टेस्ट आता था। भगवान ने ऐसी लीला की थी वहाँ पे। तो आज तो मेरे पापा भी जल्दी आ गए थे, शाकोत्सव था तो घर पे। और फ्रेंड्स सच बताऊं तो ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, हम लोगों ने अंदाजन ही सब डाला था, घी भी अंदाजे डाला था, फिर सब्जी भी ऐसे ही डाल दी थी, मसाले भी ऐसे ही मन में आया इतना मसाला डाल दिया, पर सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, एकदम परफेक्ट। नमक भी परफेक्ट, तीखा भी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट था इसमें। तो मैंने मम्मी को बोला कि देखो भगवान है तभी इतना अच्छा मस्त सब्जी बनाए, भगवान ने ही बनाया है ये वाला सब्जी। तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन एंजॉय किया हम लोगों ने।
और ऐसा कुछ करते रहते हैं ना तो बच्चों में संस्कार भी अच्छे पड़ते हैं, वो भी जानते हैं। अनंत और तना अब भी क्यूरियोसिटी से सारा पूछ रहे थे कि ये क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो हमने उनको समझाया, तो अच्छा लगता है ओवरऑल। तो चलिए अब आप लोग भी साकोत्सव एंजॉय करिए। બસ હવે બંધ કરો જરા કરે તું હલાય, તું હલાય, હા એને આપો ચમચો, આપો એને, લે ચમચો હલાવ. ઉભી રે મમ્મી, ઉભી રે, ઉભી રે, તારો ફોન પકડ.
तो फ्रेंड्स देखिए, अभी भगवान जी को भी भोग लगा दिया है हमने। बाजरे की रोटी बनाई थी, खिचड़ी बनाई, कढ़ी और ये वाली सब्जी और गुड़ और मिर्ची का अचार बनाया था। तो भगवान जी को भोग लगा दिया है हमने। और ये दो छोटे लड्डू गोपाल हैं, एक मेरे भी, मैं मम्मी के घर पे लेके आई थी, और एक मम्मी के लड्डू गोपाल हैं। और ये हमारे सजानंद स्वामी हैं, हमारे भगवान जी हैं ये। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे है, आज संडे है। तो अभी मैं घर पे हूँ और आज मेरा फ्रिज मुझे लगा कि साफ़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा था फ्रिज मेरा, और सामान भी बहुत सारा फ्रिज में इकट्ठा हो गया था, क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं थी, तो ये सब ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रही थी। और ऐसा है कि कुछ भी चीज़ हम साफ़ करते हैं ना, तो लगता है जैसे ये नहीं अच्छा है, पर साफ़ करते टाइम अंदर देखते हैं ना, तो इतनी सारी चीज़ें निकल आती हैं ना, अंदर ख़राब हो रखी होती हैं, कुछ मसाले की डेट एक्सपायर्ड हो चुकी होती है, तो वो सारा निकल जाता है, तो फ्रिज में स्पेस हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको डिक्लटर कर देती हूँ। तो पहले मैं फ्रिज में से सारा सामान बाहर निकाल के फ्रिज को खाली कर दूंगी, और उसके बाद मैं उसको साफ करूंगी। मेरा मेरे पास एक क्लीनर है, मैं उसे फ्रिज और मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा गैस, वो सब मैं उसी से साफ करती हूँ। तो बस मैं उसी से साफ करूंगी उसको। तो सारा फ्रिज तो मैंने खाली कर लिया है, और ये वाली जो साइड्स की जो ट्रे है ना, वो मैं नहीं रिमूव कर पाती हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो आज ये भी घर पे थे, तो मैंने सोचा चलो इनका थोड़ा इनके साथ भी थोड़ा काम करवा लिया जाए। तो मैंने इनको बोला कि मुझे ये सारी ट्रेस निकाल के दो, तो वो सारी ट्रे निकाल के मुझे दे दी उन्होंने, और फिर मैंने वो सारी ट्रे वॉश कर ली थी।
થોડી જ દઈશ ને તારે, હું દઈશ ક્યાં? तो फ्रिज हो गया है क्लीन अभी, और मैंने सारे जो रैक्स थे उसको भी वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, सूखा के पोंछ के फिर मैंने सारा लगा दिया है। और अभी मैं फ्रिज को फिर से जमा रही हूँ, तो बहुत सारा सामान अंदर से निकल गया, बहुत सारे मसाले एक्सपायर हो गए थे और वो सब खाली करके मैंने फेंक दिया जो ख़राब हो गया था। तो ये आप सोचोगे इतने सारे शरबत, ये क्रशिस हैं सारे जो मेरे केक में यूज़ होते हैं। और मेरे एक फ्रिज में सबसे ज़्यादातर सामान थोड़ा केक का ही रहता है। तो देखिए अभी मैंने फ्रिज को जमा दिया है ठीक से एकदम। तो गाइज अभी है शाम का टाइम, इवनिंग टाइम हो रहा है और अभी बज रहे थे 5। और बस ये मेरे देवर जी हैं और हम लोग जा रहे थे अभी शाम को घूमने के लिए। यहाँ मेरे घर से थोड़ा दूर एक मंदिर है हरे राम हरे कृष्ण का, तो हम लोग वहाँ मंदिर पे जा रहे थे और वहाँ बहुत बड़ा गार्डन है, तो हमने सोचा कि चलो दर्शन भी कर लेंगे और बच्चे खेल लेंगे तो एंजॉय कर लेंगे। तो हम लोग बस वहीं जा रहे थे। જ્યારે એ લોકોનું ફંક્શન હોય ને get
તું ચલાવ તો એમાં લાઈટ થાય તે જોશે બેટા નથી નથી Storms we're chasing leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left Papa ni utara Dhwani Hey Dhwani Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And रोती हुई इसने बोले प्लेग्राउंड में अब सोच रही थी